पटना तक चिराग पासवान को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं और खबर ये चलाई जा रही है आरजेडी के हवाले से। आरजेडी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा दावा किया है। चिराग के एनडीए से नाराज होने का दावा आरजेडी ने किया है। आरजेडी के आरोप पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, विपक्ष की कोशिश सफल नहीं होगी। चिराग पासवान ने पलटवार किया है अफवाहों पर जो आरजेडी के द्वारा आरोप है कि फैलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि वो एनडीए से बिल्कुल नाराज नहीं। देखिए, केंद्र की एनडीए सरकार में सिर्फ फुटवल शुरू हो गया है। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जिनके बैसाखी पर केंद्र में सरकार है, उनको कोई तवज्जो वहाँ मिल नहीं रहा है। श्री चिराग पासवान जी केंद्र की सरकार के हर नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं और कई मुद्दों पर चिराग पासवान जी की राय सरकार से अलग है, जबकि वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, तो श्री चिराग पासवान जी को ये पता है। बीजेपी तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा रखती है। श्री चिराग पासवान जी को उनका साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, जहां देश को बनाने की बात हो रही है, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की बात हो रही है। वहां तो श्री चिराग पासवान जी को पहले भी बीजेपी ने किस तरह से उनके पार्टी को, दल को तोड़ा था, और फिर बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ेगी। ताज की हांडी नीचे करो, नीचे की साहब ऊपर कर रहा था ना। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। आखिर आरजेडी ने क्या आरोप लगाए हैं और उन आरोपों का जवाब एलजेपी चिराग पासवान ने क्या दिया है। आरजेडी का आरोप है, देखिए आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान। दूसरी तरफ चिराग की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि बार बार विपक्ष भले ही कोशिश कर ले, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। आरजेडी का आरोप है कि एनडीए में चिराग का अलग स्टैंड है, चिराग एनडीए से अलग स्टैंड ले रहे हैं, इसीलिए वो नाराज हैं। एलजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है, यानी चिराग पासवान की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि पार्टी के सांसद स्पष्टीकरण दे चुके हैं इस मामले पर कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। आरजेडी ने कहा है कि चिराग की पार्टी टूटने वाली है और दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था सबकी सहमति से, तो इसीलिए ये विपक्ष का एक एजेंडा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में सेंध लगाएं और एनडीए से अलग दिखाकर राजनीति करने की कोशिश करें। आरजेडी का आरोप है कि चिराग की पार्टी तोड़ रही है बीजेपी, बीजेपी पर ही आरोप लगा रही आरजेडी। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि विपक्ष झूठी अफवाह फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है, एलजेपी को तोड़ने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। उधर आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी के संपर्क में चिराग के सांसद हैं और इधर चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, जब एनडीए में शामिल है तो बीजेपी उनको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल क्यों करना चाहेगी। आरजेडी का आरोप है कि तीन सांसद बीजेपी के संपर्क में है जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि विपक्ष का पैतरा काम नहीं आएगा, जिस पर वो बार बार कह रहे थे कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए की जा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा से जनता की सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रही है। हम रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं। मैं मोदी जी के साथ हूं
उन्होंने मीडिया में ही कहा, और वो मीडिया उसकी नाम लेने की जरूरत नहीं है, परसों ही मैं देखा हूँ, पूरा स्टेटमेंट उनका था, इंटरव्यू दे रहे थे स्टेज पर, उन्होंने कहा मैं मोदी जी के साथ हूँ। किसी तरह की कोई गड़बड़ हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, या वक्फ बोर्ड का सवाल हो, या दूसरे कोई भी सामयिक सवाल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा है। विवाद इंडिया के अंदर नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। विवाद किस बात का है? विवाद सहमति एक ही बात की है कि वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति को ध्वस्त करते हुए, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाते हुए 2029 तक राज करना है। तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि चिराग पासवान को लेकर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं? विपक्ष ने क्यों सवाल उठाए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कोटे में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। लेटरल एंट्री को लेकर चिराग ने खुलकर बोला फैसला रद्द हुआ, और वक्त संशोधन बिल पेश किया गया तो चिराग ने इसका विरोध किया। जातीय जनगणना को लेकर भी विपक्ष की भाषा बोलते हुए झारखंड में चिराग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है, या फिर आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग के जो सांसद हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी की नज़र उन पर है, कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और चिराग अलग लाइन लेकर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की खबर। गाजियाबाद रेप कांड पर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान आया है। दिल्ली गाजियाबाद में बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ गई है। शाहीनबाग